हिमालयास, तो आप देख सकते हैं अभी बर्फ शायद पिघल चुकी है, हाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही है, पता नहीं आपको इधर फोन में क्लियर दिख रहा होगा या नहीं। जो आपको इसी साइड दिख रहा है ये है पालमपुर, ये इसके पीछे, और ये है इस साइड धर्मशाला, और ये तो है, ये शायद ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है ये मणिमहेश का पहाड़ है, और जो इसी साइड है इसके साइड में होगा शायद श्रीखंड महादेव, और इसी साइड में होगा किन्नर कैलाश, इन्हीं पहाड़ों के बीच हिमालयास के बीच। और जो ये दिख रहा है ये प्रागपुर हेरिटेज विलेज है, और जो सामने दिख रहा है, मैं जूम करके बताता हूँ, वेट आई थिंक, हाँ ये जो दिख रहा है ये है ज्वालाजी माता जी का टेम्पल, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, और ये अपना विलेज है, छोटा सा प्यारा सा विलेज, और ये जो घर दिख रहे हैं इसी साइड में मेरा घर भी है पेड़ों के बीच में, पता नहीं आपको दिख रहा होगा ये मेरे को, और देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा थोड़े बादल आने लग पड़े हैं, अभी ये बादल दिख रहे हैं, ये पूरा ढक जाएगा एकदम, पूरा कवर हो जाता है बादल के कारण, दिन में आने में दिन में नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा, अगर भी दिन में आता तो एक और क्लिप डाली है मैंने साथ में, और इस वीडियो को एकदम क्लिक का देखने का मजा लो, ये है विंटर टाइम की है, अभी तो ये समर चल रही है तो इसलिए पहाड़ पे अभी स्नो पूरी पिघल चुकी है, तो ये इसके अगली जो क्लिप है वो विंटर टाइम की है, पूरे भर जाते हैं एकदम पहाड़, हमारे घर से एकदम अल्टीमेट सा व्यू आता है, देख सकते हैं आप, वो देखो एकदम ना साफ हो चुके हैं पहाड़, पिघल चुकी है स्नोफॉल, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी अगली। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, अगर एंजॉय की होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स डाली आगे तो देखने वाले से धन्यवाद, और इसको चैनल को आगे सभी शेयर करो, तुम्हारे ये भाई का ही चैनल है तो कर दो यार शेयर आगे। चले जो चले सोने।